हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम हरियाणा बोर्ड के अनुसार 12th क्लास के म्यूजिक के सिलेबस की बात करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमारी परिभाषाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। वर्ण, अलंकार, ग्राम, मूर्छना, तान, गमक, खटका, मुरकी, लय, ताल, ये सभी परिभाषाएं हैं। एक एक नंबर में ये आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जीवन परिचय। चार जीवन परिचय हैं आपके, फियाज खां, कृष्ण राव शंकर पंडित, बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां। इन चार जीवन परिचय में से आपके दो जीवन परिचय एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन दो जीवन परिचय में आपकी चॉइस होती है, जो कि चार नंबर में ये जीवन परिचय आपसे पूछे जाते हैं। ताले, पांच छह ताले दी गई हैं। कहरवा ताल, दादरा ताल, झप ताल, रूपक ताल, तिलवाड़ा ताल, धमार ताल। इन तालों का हमें सबका संक्षिप्त परिचय करना है, इनको एक गुण और दुगुण लयकारी के साथ करना है। ये ताले पेपर में जरूर पूछी जाती हैं, दो से चार नंबर में आती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम राग। जो हमारे हैं राग, वो पांच राग हैं सिलेबस में, भीम प्लासी, भैरव, बिहाग, देश, केदार। इन सभी रागों का हमें परिचय भी करना है, उनकी स्वरलिपि भी करनी है, उनका आरोह अवरोह पकड़ अलाप वैताने सभी हमें करना है। रागों का क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, स्वर लिपि जो कि चार नंबर में जरूर पूछी जाती है, और परिचय अलग से पूछ लिया जाता है या फिर अलाप ताने आरोह अवरोह पकड़ अलग से पूछ लिए जाते हैं। आगे है हमारे ग्रंथ परिचय। दो ग्रंथ हैं हमारे सिलेबस में, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात। इन दोनों ग्रंथ में से एक ग्रंथ आपको जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे भातखंडे जी के कार्य, जो कि हमारे सिलेबस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूछा ही जाता है एग्जाम में मोस्टली। नेक्स्ट है हमारा रागों का वर्गीकरण। रागों के वर्गीकरण में बताया गया कि रागों का वर्गीकरण किस किस तरीके से किया गया। नेक्स्ट है हमारा रागों का समय सिद्धांत। रागों के समय सिद्धांत में भी यही बताया गया कि रागों का समय कैसे निर्धारित किया गया, ये सब हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इन टॉपिक में क्या है। थैंक यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।